Genius Kids. Cultivating love for learning. पाठ 16 व्याकरणम शब्द अथवा पद वर्ड वर्णों लेटर्स का वह समूह जो किसी अर्थ का बोध कराए शब्द अथवा पद कहलाता है जैसे पुस्तक मेरठ राम आदि शब्दों के प्रकार संस्कृत में शब्द चार प्रकार के होते हैं पहला नाम नेम संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों को नाम कहते हैं जैसे राम है अहम मैं लघु छोटा आदि दूसरा आख्यात वर्ब क्रिया शब्दों को आख्यात कहते हैं जैसे पठति पढ़ता है लिखिष्यति लिखेगा आदि तीसरा उपसर्ग प्रेफिक्स शब्दों से पहले प्रयोग किए जाने पर शब्दों का अर्थ बदल देने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं जैसे गच्छति जाता है यदि गच्छति शब्द से पहले आ उपसर्ग जोड़ा जाए तो आ गच्छति का अर्थ आता है हो जाता है इसी प्रकार अनुगच्छति अर्थात पीछे जाता है अवगच्छति अर्थात समझता है आदि शब्दों के अर्थ उपसर्गों के भिन्न भिन्न योग से बनते हैं चौथा अव्यय पार्टिकल वे शब्द जो सदा एक से रहते हैं नियात अर्थात अव्यय कहलाते हैं जैसे कुत्र अर्थात कहाँ यत्र अर्थात जहाँ यदा अर्थात जब आदि वे शब्द जिनके रूप चलते हैं पद कहे जाते हैं पद दो प्रकार के होते हैं पहला सुबंत संज्ञा में सर्वनाम के शब्द जिनके रूप बनते हैं सुबंत पद कहे जाते हैं ये शब्द सुप विभक्ति से युक्त होते हैं जैसे राम है रामौ रामः आदि दूसरा तिंगत धातु रूपों को तिंगत कहते हैं ये शब्द तिंग विभक्ति से युक्त होते हैं जैसे पठति पठतः पठन्ति आदि लिंग जेंडर जिन शब्दों से जाति का ज्ञान हो लिंग कहलाते हैं संस्कृत में शब्दों के तीन लिंग होते हैं पहला पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग तीसरा नपुंसकलिंग पहला पुल्लिंग वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का पता चले पुल्लिंग कहलाते हैं जैसे वानर है अर्थात बंदर सिंह है अर्थात शेर बालक है अर्थात लड़का शिक्षक है अर्थात अध्यापक आदि दूसरा स्त्रीलिंग स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं जैसे बालिका अर्थात लड़की लता अर्थात बेल कोकिला अर्थात कोयल अजा अर्थात बकरी आदि तीसरा नपुंसकलिंग वे शब्द जिनसे स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी का भी पता ना चले नपुंसकलिंग कहलाते हैं जैसे पुष्पम अर्थात फूल चित्रम अर्थात चित्र दर्पणम अर्थात शीशा जलम अर्थात पानी आदि सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं जैसे सह अर्थात वह ही पुलिंग सा अर्थात वह शी स्त्रीलिंग तत् अर्थात वह दैट नपुंसकलिंग विशेषण विशेष्य विशेषण शब्द अपने विशेष्य के अनुसार प्रयोग होते हैं जैसे कृष्ण है अश्व है काला घोड़ा यहाँ विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए शब्द अश्व है पुल्लिंग होने से विशेषण कृष्ण है का भी पुल्लिंग प्रयोग हुआ इसी प्रकार मधुरम फलम मीठा फल यहाँ विशेष्य फलम है तथा नपुंसक लिंग है इसलिए विशेषण भी नपुंसक लिंग में मधुरम प्रयोग हुआ वचन नंबर वचन
एक वचन, सिंगुलर नंबर द्विवचन, डुअल नंबर बहुवचन, प्लूरल नंबर। वचन से संख्या का बोध होता है। संस्कृत के पदों में तीन वचन होते हैं, कै एक वचन, वे शब्द जिनसे किसी एक वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है एक वचन शब्द कहे जाते हैं, जैसे बालक है एक लड़का, आ बॉय, अजा एक बकरी, आ गॉट, पुस्तकम एक किताब, आ बुक। इसी प्रकार चित्रम, कन्या, लता, चटका, शिक्षक है, कमलम आदि भी किसी एक वस्तु का बोध कराने के कारण एक वचन के शब्द कहे जाएंगे। खै द्विवचन, किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द द्विवचन होते हैं, जैसे गजौ दो हाथी, टू एलिफेंट्स, चटके दो चिड़िया, टू बर्ड्स, कमले दो कमल, टू लोटसेस। पुलिंग में शुकौ दो तोते, गजौ दो हाथी, सिंगौ दो शेर, मयूरौ दो मोर, रजकौ दो धोबी आदि। स्त्रीलिंग में लते दो लताएं, बालिके दो लड़कियां, चटके दो चिड़ियां, पीपलिके दो चीटियां आदि। नपुंसकलिंग में चित्रे दो चित्र, कमले दो कमल, पुष्पे दो फूल, कलमे दो कलम, दर्पणे दो शीशे आदि। गै बहुवचन, दो से अधिक अर्थात तीन, चार, दस, बीस आदि वस्तुओं का पता जिन शब्दों से चलता है बहुवचन कहलाते हैं, जैसे बाल कहा, बहुत से लड़के मैनी बॉयज, चट कहा, बहुत सी चिड़ियां मैनी बर्ड्स, पुस्तकानी बहुत सी पुस्तकें मैनी बुक्स। इस प्रकार पुलिंग में बालकहा, गजहा, दूरदराहा, रजकहा, सिंगहा, मयूरहा आदि। स्त्रीलिंग में लताहा, बालिकाहा, पीपीलिकाहा, अजाहा, छात्रहा, कन्याहा आदि। नपुंसक लिंग में कमलानी, चित्रानी, नेत्रानी, पुष्पानी, दर्पनानी, फलानी आदि। पुरुष पर्सन वाक्य तीन व्यक्तियों से संबंधित होता है, पहला कहने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा जिसके विषय में कहा जा रहा है। इस प्रकार जो कहने वाला है वह उत्तम पुरुष का कर्ता, जो सुन रहा है वह मध्यम पुरुष का कर्ता, तथा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का कर्ता कहलाता है। कारक केस, क्रिया के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध बताने की स्थितियों का ज्ञान कराने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इस दृष्टि से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये छह ही कारक माने जाते हैं। संबंध और संबोधन का क्रिया से स्पष्ट संबंध नहीं होता, परंतु इनकी गिनती विभक्तियों में करके कुल आठ कारक कहे जाते हैं। सभी कारकों का परिचय अग्र प्रकार है। पहला कर्ता कारक, जो क्रिया करने में स्वतंत्र हो अथवा क्रिया करता हो अथवा अपनी सत्ता बनाए, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता के साथ जब हिंदी में कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं होता या ने होता है तो वहां प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे राम है गच्छति, राम जाता है, राम है पुस्तकम अपठत, राम ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा कर्म कारक, कर्ता क्रिया द्वारा जिस पर व्यापार करता है या प्रभाव डालता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म का चिन्ह हिंदी में को है। कई बार सामान्य वस्तुओं के कर्म होने पर को दिखाया नहीं जाता, जैसे बाल है दुग्धम पिबति, बच्चा दूध पीता है, राम है श्यामम पश्यति, राम श्याम को देखता है। तीसरा करण कारक, जिस साधन से कोई क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। हिंदी में करण के लिए से चिन्ह आता है, जिसका अर्थ है के साथ। करण में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, वृद्धः लगुडेन चलति,
यहाँ नेत्राभ्याम का अर्थ हुआ दो आँखों से तथा लुग्डेन का अर्थ हुआ डंडे से। चौथा संप्रदान कारक, कर्ता जिस उद्देश्य के लिए कोई क्रिया करता है अथवा जिसे देता है वह संप्रदान कारक होता है। हिंदी में इसका चिन्ह के लिए या को होता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे सह पठनाय विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। धनिकः भिक्षुकाय वस्त्राणि यच्छति, धनी भिक्षुक को वस्त्र देता है। पांचवा अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग हो, उत्पन्न हो, भय हो, लज्जा हो इत्यादि अर्थ देने वाला अपादान कारक होता है। इसका हिंदी में चिन्ह से फ्रॉम है। करण का से सात अर्थ देता है, परंतु अपादान का से अलगाव को बताता है, जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, मृगाः सिंहात भीताः सन्ति, वधुः श्वशुरात लज्जा मनु भवति, हिमालयात गंगा प्रवहति, जंकात पुत्रः भवति। छठा संबंध कारक, जिसकी कोई वस्तु बताई जाए वह संबंध कारक होता है। संबंध के लिए हिंदी में चिन्ह का के की या रा रे री होते हैं। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे रामस्य पुस्तकम्, अस्माकम् गृहम्, तव जनकः, सीतायाः पतिः, वृक्षाणाम् फलानि। सातवा अधिकरण कारक, कर्ता जिस स्थान भाव या समय में या पर क्रिया करता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। हिंदी में अधिकरण के चिन्ह में या पर है, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे कूपे मंडुकाः सन्ति, वृक्षेषु वानराः क्रीडन्ति, विद्यायां रमेशः अग्रे अस्ति, प्राथे काले ते गमिष्यन्ति। आठवां संबोधन कारक, जिन शब्द रूपों से किसी को बुलाया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन के पूर्व हे, अरे, भो लगाया भी जा सकता है और नहीं भी। संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही आती है, परंतु एक वचन का रूप प्रथमा विभक्ति से कुछ भिन्न भी हो सकता है, जैसे रमेश त्वम कुत्र गच्छसि, हे कन्ये युवाम किम पठते है, भो बालकः यूयम निबंधम लिखत। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।